Assalamu alaikum. This is Asian Trade TV and welcome to my program Inspiration by Alia Mohsen. लास्ट वीक हमने एक प्रोग्राम किया था आउटडोर पे, जो कि मिसेस नबीला अख्तर के साथ किया था पैकेजेस मॉल लाहौर में, और वहाँ पे हमने डिफरेंट टिप्स ली थी, क्योंकि मिसेस नबीला अख्तर एक रैकेट कंपनी की एचआर हेड हैं, तो हमने उनसे वो टिप्स ली थी जो कि आपके जो एंटरप्रेन्योरशिप में हैं लेडीज़, जो बिज़नेस करना चाहती हैं, जो जॉब्स कर रही हैं, उनके लिए वो फ्रूटफुल होंगी इसमें। लेकिन चूंकि उनका ब्रॉटअप सारा यूके में हुआ और वो वहीं की बॉर्न हैं और वहीं पे उनका सारा सेटअप रहा, तो उनको उर्दू में प्रॉब्लम होती थी, तो जो हम लोगों ने इंटरव्यू उनका इंग्लिश में लिया। बहुत से हमारे क्लाइंट्स ने हमसे ये डिस्कस किया कि हम इसको एलेबरेट करें इन उर्दू, तो उसको भी मैं आपको साथ साथ एलेबरेट करती जाऊंगी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मेजरली वो क्या टिप्स हैं जिनको हम अप्लाई करें अपनी लाइफ में, और आप अपने बिजनेस में, अपने कारोबार में, अपनी जॉब में, वर्क प्लेस में आप किस तरह से सक्सेसफुल रह सकती हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के सेगमेंट में हम बात करेंगे मिसेस नबीला अख्तर के इंटरव्यू की, जो कि हम लोगों ने पैकेजेस मॉल में लिया था। की टू सक्सेस वो कीज़ हैं जो उन्होंने हमें जो बताई हैं, वो ये हैं कि जो आपकी अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी इस्तेमाल होती हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट द वर्क प्लेस या एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं होती, ये आपकी अपनी लाइफ में भी यही यूज़ होती हैं। जैसे कि उन्होंने सबसे पहले कहा था कि प्लान, आप अपना प्लान करें, अपने गोल सेट करने हैं और उनके लिए आप प्लानिंग करें। आप प्लानिंग का ये मतलब नहीं है कि 5-5 साल की आप प्लानिंग करें, कि आप छोटे छोटे प्लान्स करें और उनको फिर आगे एग्जीक्यूट करें। अब मिसाल इसकी इस तरह से है कि आपने गोल सेट किया कि आप फिर फॉर एग्जांपल आप की कोई जॉब कर रही हैं, आपको लगता है कि दैट इज़ नॉट सूटेबल फॉर यू, आप अपनी लाइन चेंज करना चाह रही हैं, तो दैट इज़ योर गोल, कि आपका गोल है कि आप आईटी में आना चाह रही हैं। तो अब आईटी के लिए आपने उसको प्लान करना है, उस प्लान को आपने लिखना है पेपर्स पे। किस तरह से होगा कि आपने अपने पेपर पे लिखेंगी कि ठीक है, मैं आई मेक अ प्लान फॉर द 6 मंथ्स, कि 6 मंथ्स में मैं कोई कोर्स करती हूँ। इट कुड बी माइक्रोसॉफ्ट का कोई कोर्स करती हैं, ओरेकल का कोर्स करती हैं, लैंग्वेज का कोई कोर्स करती हैं, तो आप उसको लिखती हैं कि अपने प्लान में कि हाँ, दिस इज़ द 6 मंथ्स प्लान, मैंने इसको करना है और इसको एग्जीक्यूट करना है। एंड फिर आप उसके हिसाब से अपनी बाकी प्लानिंग करती हैं और अपने फिर एप्लीकेशन, अपना CV को अपडेट करती हैं और उसको अप्लाई करती हैं डिफरेंट जगहों पे। तो दिस इज़ द एग्जांपल। और इसी तरह कोई आपको सोफ़ा सेट बहुत पसंद आ रहा है, किया आपने उसको अपने घर की सेटिंग का, इंटीरियर का आपने सोचा, आपने उसको प्लान किया, आपने कमेटी डाली, आपने लिखा कि अच्छा ठीक है, मैं अपने इस तरह से खर्चे बचा सकती हूँ और उनको जो है किस तरह से फिर एग्जीक्यूट करूँगी। पैसा आपके पास, सेविंग्स बहुत हैं, आप कर सकती हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो। कि हमारा सारा प्रोग्राम बेस ही मैनेजमेंट में करता है, और जो लड़कियाँ मैनेजमेंट में अच्छी होती हैं वही अपनी लाइफ में आगे भी सक्सेस पा सकती हैं। यू हैव टू बी अ गुड मैनेजर, ईदर यू आर इन होम, यू आर होम मेकर, और यू आर वर्किंग लेडी। तो हमेशा मैनेजमेंट पे हमारा जोर होगा और मैनेज आपको अच्छा करना है। हमारा पहला सेगमेंट है पर्सनल ग्रूमिंग का, और आज हम पर्सनल ग्रूमिंग में बात करेंगे पर्सनल केयर एंड पर्सनल हाइजीन की। पर्सनल केयर में सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूँगी आपके हेयर को। हेयर आर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम अपना हेयर कटिंग करवाते हैं, हेयर डाई करवाते हैं, हमारी लुक चेंज हो जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो चाहे आप शादीशुदा हैं या शादीशुदा नहीं हैं, आपको अपने बाल, जब आप सुबह सो के उठती हैं तो सबसे पहले आप अपने बाल बनाएं, उससे एक हमेशा एक नीटनेस का एहसास होता है। उठ के सुबह कंघी करें और पोनी अपनी कर लें या चुटियाँ कर लें, जो भी आप करती हैं, उससे क्या होता है, लगता है कि आप बिल्कुल नीट क्लीन हैं। ये अपनी एक आदत बना लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप समझती हैं कि आपको लगता है कि अच्छा मैं कंघी करूं, ब्रश किसी के कर्ली बहुत ज़्यादा हेयर होता है, वो उसमें सुस्ती आ जाती है, तो एटलीस्ट आप ये कर लें कि अपने बालों की एक पोनी बना लिया करें, उससे होता है कि एक नीट क्लीन लुक आ जाती है। जब आप ये शुरू से अपनी इस आदत को, अपनी आदत बना लेंगी, तो शादी के बाद भी क्या होगा कि जब आपकी शादी होगी, जब आप सुबह सो के उठेंगी, तो एक अच्छी शक्ल के साथ आपके हस्बैंड भी जब आपको देखेंगे तो वो एक अच्छा फीलिंग आएगी। तो इस टिप को ज़रूर रखें कि जो है अपने कंघी का ख्याल रखें और अपने बालों को हमेशा जो है टाई करके रखा करें, नीट रखा करें। सेकंड टॉपिक हमारा है पर्सनल हाइजीन का, और उसमें हम बात करेंगे नेल्स की।
आपके हाथों के नेल्स की, पैरों के नेल्स की, ख़ास तौर पर हाथों की जो है कि हाथों का ज़रूरी, वही मैं हमेशा जैसे कि कहती हूँ कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप जाके सैलून्स पे मैनीक्योर करवा रही हैं, आप बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड कर रही हैं, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू मैनेज योर सेल्फ, हाउ यू मेक योर सेल्फ नीट एंड क्लीन। आप अक्सर ख़वातीन जब कुकिंग करती हैं, किचन में काम करती हैं, तो उनके नेल्स जो हैं वो गंदे हो जाते हैं। बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती, वैसे तो नेल्स को ट्रिम करके रखना चाहिए, लेकिन बहुत से ख़वातीन को पसंद होते हैं लॉन्ग नेल्स, ठीक है, किसी के हस्बैंड को पसंद होते हैं लंबे नेल्स, तो अच्छी बात है, आप करें, अपने केयर करें, अपने नेल्स को लंबा भी रखें, लेकिन उनको नीट रखा करें, साफ़ रखा करें। कभी कभार ऐसा होता है हम कुकिंग करते हैं और जो है उसमें हमारे जो है वो ये होता है कि खाना वगैरह बनाते हुए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके नेल्स को गंदा कर देती हैं या उनके कलर ख़राब कर देती हैं, तो उनको कोशिश किया करें कि उनको साफ़ रखा करें। आप, देर आर सो मैनी टूल्स इन मार्केट जो बहुत ना कोई एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत इकोनॉमिकल होते हैं, और आप उनको यूज़ किया करें जब टीवी देख रही हैं या कुछ भी आप किसी ऐसे टाइम में बैठी हैं जो आपका माई टाइम कहलाता है, रात को अपने बेड पे आराम कर रही हैं, तो उस वक्त आप वो रख लिया करें और उसे अपने नेल्स को अंदर से साफ़ किया करें। उससे ये होता है कि आपके वही वाली बात कि आपकी पर्सनैलिटी नीट क्लीन होनी चाहिए, बड़ा अच्छा फीलिंग आती है। इसके अलावा जो एक और चीज़ है, मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि वो टूल्स भी मार्केट में मिल जाते हैं आराम से, और एक होता है बफ़र। बफ़र जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत सस्ता, मेरे ख्याल से 100-150 का मिल जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 250 का मिल जाएगा आपको, मतलब वैरायटी ऑफ बफ़र्स होते हैं मार्केट में, तो आपको 250 तक आराम से मिल जाएगा, जो कि आप इजीली उसको यूज़ कर सकती हैं। हम लोग अपने सैलून में भी अक्सर जो है इसका यूज़ करते हैं, जब हम अक्सर ख़वातीन आती हैं हमारे पास मैनीक्योर के लिए, तो हम वो बफ़र का यूज़ करते हैं, उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपका क्या होता है, नेचुरल लगता है, आपके नेल्स जो है वो बजाय से कि आप जो वो एक कोटिंग करती हैं, वो फ्रेंच मैनीक्योर कहलाता है, जिसमें आप पिंक नेल पॉलिश लगाती हैं और फिर उसके ऊपर शाइनर लगाती हैं, वाइट नेल्स को करती हैं, तो ये हम नेचुरल बनाते हैं बफ़र के साथ, सिर्फ और सिर्फ बफ़र को यूज़ करके। और वो क्या होता है, आप अपने नेल्स को पहले अच्छे तरीके से ट्रिम करें, उनके क्यूटिकल्स को कट करें, जो डेड स्किन है उसको काटें, उसके बाद बफ़र में 3 स्टेप्स उसके ऊपर मैंशनड होते हैं, 1, 2, 3, पहले 1st स्टेप को रब करें अपने नेल्स के ऊपर, फिर 2nd एंड 3rd। जो 3rd स्टेप होता है वो होता है उस पर शाइनर होता है, वो नेचुरल शाइन देता है, आप उसमें वजू भी कर सकती हैं, नमाज पढ़ सकती हैं, और आपके नेल्स नेचुरली शाइन करते हैं। तो बफ़र को इस्तेमाल करें, बफ़र बहुत अच्छी चीज़ है आपके नेल्स को एक उनकी नीट एंड क्लीन लुक के लिए। आई होप आपको हमारी टिप्स पसंद आई होंगी। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मा अस्सलाम।